आप किसकी तरफ से आप कौन सी कोर्ट में? सर मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से अपेयर हो रहा हूँ हाई कोर्ट के अंदर अंडर LRO सेक्शन 3 के जरिए ICA जमा करवाने के लिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का केस मामले से कर नहीं सॉरी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आप बीच में कर रहे हैं? जी सर। तो आपने क्या कौन से कोर्ट में है? सर हाई कोर्ट के अंदर हूँ और ICA जमा करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ लॉ रिफॉर्म एक्ट। यहाँ पे दो जजेस बैठे हैं। ICA सर आपके नीचे वाला ऑर्डर किसने पास किया था? आयशा मलिक ने पास किया था। आयशा मलिक जस्टिस आयशा मलिक ने पास किया। आयशा मलिक और नाम इज नॉट रेलेवेंट सिंगल जज इन कॉन्स्टिट्यूशनल यस अ सिंगल जज इन कॉन्स्टिट्यूशन शी पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट कोटा सिस्टम फॉर ICA कैसे कॉम्पिटेंट है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? नहीं सर ICA इसलिए कॉम्पिटेंट है बिकॉज आई एम अपीलिंग अगेंस्ट द जज ऑफ वन अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ वन सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट and according to law reform order section 3 ordinance section 3 I can appeal against an order of single bench against an order single bench against to an order of uska aapne proviso nahi padha hua uske liye law reform ordinance ke proviso ke andar likha hua hai ki agar review revision ya appeal ka right aapke paas available ho इसका फैसला हमें बहुत जल्दी चाहिए बिकॉज फ्यूचर ऑफ मेडिकल नहीं सर सर अर्जेंसी इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस बिकॉज द हेल्थ ऑफ द एंटायर नेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट एंड एज वेल एज ऑफ द एंटायर नेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस आपके एक्ट की एग्जामिनेशन के अंदर बैठने के लिए आप बीच में सीख कर रहे हैं अभी तो उसको डॉक्टर बनने में 5 साल लगने तो हेल्थ ऑफ द नेशन का सवाल यहाँ पे कहाँ पे सर वो इसलिए और दूसरा प्लीज एक सेकंड इसको कहते हैं अर्जेंसी के नुक्ते के ऊपर कभी इंट्रा कोर्ट अपील अलाउ नहीं की गई तारीख के अंदर जी सर अगर आपने बीच में करना ये दुरुस्त है कि इसके अगेंस्ट अपील की रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप ICA के ऊपर आपकी मेंटेनेबिलिटी आपकी ICA मेंटेनेबल आगे मेरिट्स के ऊपर बात कीजिए जी सर सर अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स इन पाकिस्तान देर इज़ ओनली वन डॉक्टर अवेलेबल टू ओवर 1700 पेशेंट्स जब इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी बड़ी शॉर्टेज है वहाँ पे हमारी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैपन टू बी वेमेन दे डोंट एक्चुअली पार्टेक इन प्रैक्टिस दे ऑल गो टू मेडिकल कॉलेजेस दे स्टडी दे स्पेंड 5 years थ्रू द ग्रूलिंग मेडिकल प्रोसीजर जो एजुकेशन का जो प्रोसीजर होता है बट आफ्टर दैट दे डोंट फॉलो अप दे डोंट गो एंड प्रैक्टिस अब इसके ऊपर ये फैक्ट्स भी आप बीच में मेहरबानी करके देख लीजिए कि पाकिस्तान में जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो तो सारे उठ के अमरीका चले जाते हैं सर वो अमरीका चले का भी जो बीच में सारा सिलसिला होता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन का नुकसान नहीं यूरोन मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स दैट आर अवेलेबल विद PMDC जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन पाकिस्तान आउट ऑफ देम 23% ओनली 23% आर फीमेल डॉक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ देम आर मेल डॉक्टर्स तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे मेल डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं बट स्टिल आर सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ दो मेल डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तान तो इन लाइट ऑफ दैट दिस ICA इज एक्चुअली प्रेजेंटेड बिकॉज वी हैव सच अ स्मॉल सच अ डर्थ एंड सच अ शॉर्टेज ऑफ आप ये चाह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर ना हो अच्छे डॉक्टर ना आए चाहे औरत हो या मर्द वगैरह हो जो नहीं पास कर सकते उनको आज की 13% आज की उन बंदों को आज की बीच में मौका दे दिया जाए और 13% औरतों को डिप्राइव कर दिया नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा कि 13% औरतों को डिप्राइव किया जाए मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उन 13% औरतों को देखना है या 100% पाकिस्तान की अवाम के राइट्स देखने हैं इंक्लूडिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन हमारे सामने नहीं आए हुए आप PMDC हैं आप नहीं बस PMDC इज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनमें से तो कोई उठ के आया नहीं तो आप किस तरह उनके बिहाफ के ऊपर ये नुक्ते बिकॉज़ सर दे हैव अपॉइंटेड मी टू प्लीड ऑन देयर बिहाफ और दूसरी बात है कि PMDC सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी तरफ से अपील कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का क्या काम है यहाँ पे बीच में औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक्चुअली मेरिट के ऊपर बीच में आना चाहिए कि कोई बंदा अगर अफेक्टेड है वो तो कोई sir, हमारे पास Your Honor, I do not agree with this assertion that this is against the women because at the end of the day, when these doctors are going to graduate from the college and go into practice, they are going to be treating women.
The point is, it is, we have to see whether we have to look for the interest of certain segment of society. And this is, I'm not talking for not talking about all the women. I'm only talking about a handful of women who want to study medicine. Or we. अगर 10-15 लोग हों उनके खिलाफ discrimination हो जानी चाहिए handful. नहीं सर, सर मैं यहाँ पे नहीं सर मैं यहाँ पे point उठाऊंगा proportionality का, the concept of proportionality while interpreting statutes. उसके अंदर. Proportionality पाकिस्तान के अंदर आज की recognized बीच में नहीं. सर लेकिन मैं इसके लिए इस सिलसिले में judgement. हाँ एक जजमेंट दिया सर, मैं इसके लिए एक जजमेंट प्रेजेंट करूंगा मंसूर अली शाह साहब की, दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर वाइल एक्सपाउंडिंग ऑन प्रोफेशनैलिटी उन्होंने ये हेल्प किया. आई एम गोइंग एक्चुअली रीड दैट पैराग्राफ दैट पर्टिकुलर लाइन. पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक मंसूर अली शाह साहब ने ये सिंगल जज के तौर पर लिखी. हाँ जी मंसूर, तो हमारे पे बाइंडिंग नहीं है. दूसरी आपको मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दर्जनों जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी का कोई जिक्र नहीं आया. तो अगर मंसूर अली शाह साहब ने एक जजमेंट में एक एक्चुअली नॉवल नुक्ता रेज कर लिया, वो डीबी को कैसे बाइंड करता है? सर डीबी को बाइंड नहीं करता, लेकिन वो डीबी के सामने एक एक नेक्स्ट पॉइंट है. सर दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है. वी आर सिग्नेटरीज ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसकी बाय एक्चुअली नॉट लुकिंग आफ्टर द पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स के अंदर हैं कि आप और ये ह्यूमन जी सर ये यूनिवर्सल नहीं बट सर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू लुक आफ्टर द मेडिकल इश्यूज एंड टू लुक आफ्टर टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू द मैसेज. बहुत अच्छा है एक्चुअली दो लफ्ज इस्तेमाल किया आर्टिकल 25 के. आर्टिकल 25 ऑफ ह्यूमन राइट्स के तो गिनवा रहे, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक बीच में मौजूद है. बिल्कुल मौजूद है सर. 25(1) के अंदर ये लिखा हुआ है कि जेंडर सेक्स की बेसिस के ऊपर, जेंडर की बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. नहीं कर सकते तो ये आप किस तरीके से बीच में क्योंकि सर इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. और वहाँ पे तो औरतों के फेवर में इतना लिखा हुआ है कि 52(2), अगर आप 2 जाके बीच में पढ़े वहाँ पे लिखा हुआ है औरतों और बच्चों के फेवर में 25(3) अगर किया हो तो आप किस तरीके से बीच में आर्ग्यू करने. सर मैं इसलिए आर्ग्यू कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लिमिट किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेफ्टी और व्हेन इट कम्स टू द कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी और व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेफ. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 25, अगर ये आपके बीच में आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया तो कोई भी माइनॉरिटी क्लास जो जिनको लोग पसंद नहीं करते उनको कह देंगे कि जी हाँ जी आप पब्लिक सेफ्टी की वजह से आप हमें खतरा लगते हैं तो आपके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? नहीं सर मैं सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि वेदर वी हैव अ चॉइस वेदर टू लुक आफ्टर द राइट ऑफ सर्टेन पीपल और टू लुक आउट टू लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ अ होल पॉपुलेशन एट लार्ज. फॉर 25(3) इस सिरे से इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं, आपकी ऑब्लिगेशन हर इंडिविजुअल का राइट फॉलो करने के लिए है. आप ये पब्लिक एट लार्ज के आर्ग्यूमेंट्स मत रेज कीजिए क्योंकि आपने माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने औरतों के भी राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं. तो आप बैठ के एक के फेवर के अंदर आप ये पब्लिक का नोशन बीच में यूज करके आप किसी और के राइट्स के ऊपर नहीं किस तरीके से आप पामाल कर सकते हैं, आप क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? सर किसी के राइट्स को पामाल नहीं किया जा रहा है, हम यहाँ पे राइट्स को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं. किसके राइट्स आप सिक्योर करने आए हैं सर? The rights of the whole society at large. Once again, आपने मुझे मना किया कि इस बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन सोसाइटी में से कोई बंदा आया ही नहीं है हमारे पास. आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आ गए, वो रेट जमा करते हैं. Because the government of Punjab is responsible. As a government of Punjab, we owe this to our population. सर इसके अंदर मैं एक न्यूज स्टोरी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मेडिकल स्टडी जो मेडिकल की एजुकेशन है इन पाकिस्तान, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ फैशन अ ट्रेंड टू गेट गुड रिश्ता बेसिकली. और ये इस सिलसिले में मैं एक स्टोरी प्रेजेंट करूँगा. BBC के अंदर प्रेजेंटेड एक स्टोरी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली मैंशन की गई है कि पाकिस्तान के अंदर औरतें अक्सर रिश्ता मेडिकल इसलिए पढ़ती हैं ताकि उन्हें एक क्वालिटी के रिश्ते मिल सकें. यही तो वजह है कि योर ऑनर आउट ऑफ 70% किस नौत का बीच में आप बीच में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? आई कहते हैं आपके नजदीक औरतें ऐसी रिश्ता करने के लिए बीच में डॉक्टर नहीं सर मर्द करते नहीं मर्द प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके प्रैक्टिस ना करना हो औरतों ने तो क्या डिग्री के साथ आई नहीं योर ऑनर ये बात नहीं कि और डॉक्टर्स को रिश्ता अच्छा मिलता है. द पॉइंट इज कि आपकी इंटेंशन क्या है एडमिशन लेने के लिए. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग मेडिकल इसलिए पढ़े सो दैट दे कैन कैच गुड हस्बैंड रादर देन कि प्रीलिमिनरी स्टेज के ऊपर ये बीच में मौजूद है मामला इसको कहते हैं. और इस सिलसिले में हम प्री एडमिशन नोटिस के ऊपर इशू कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.
ये फिर टेक दिस दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट करने की मेरे दोस्त के बारे में ज़रूरत है। देखो आगे तो नुकते तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बीच में निकाले, लेकिन पहली चीज़ तो ये यहाँ से रोस्टम छोड़ के वैसे ही चले गए, कह रहे थे मेरे लिए बड़ा अर्जेंट मुकदमा है और स्टे बीच में मांगा नहीं और ना आज की जजमेंट सस्पेंड करवाने की कोशिश की, ना साथ इन्होंने ये कहा कि मेरे क्लाइंट को आप बीच में स्टे देंगे तो वो उनको बीच में मौका मिलेगा और शायद मैं दे भी देता, अलाउ भी कर देता कि subject to the decision of this petition वो exam के अंदर honorable lordship आप देते हैं सर, आप नहीं हो सकता जी नहीं your honor if you go through आपने rostrum छोड़ दिया, आप चले गए, अब आपने अब तारीख जब पड़ेगी 3 महीने के बाद वो आपका your honor I urge और आपने client को भी बीच में दबो दिया मुबारक हो। दूसरा ये यार देखो दूसरा एक चीज stylistically आपको point out करना चाहे मैं आपको चाहूंगा खबरों को आज की और खासतौर पर इतनी inflammatory उठा के लाएंगे कि unless आज की जज बहुत ही और दूसरा यार इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज वगैरह लीगल नुक्ते बहुत ज्यादा बीच में ऑलरेडी मौजूद थे, वो आपने बीच में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किए। अखबार की क्लिपिंग वगैरह का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, एक आर्टिकल आप अपने फेवर में लाए तो 75 आपके अगेंस्ट भी होंगे। अब जजेस आर नेवर गोइंग टू गो बाय कि ये लिखा और खासतौर पर इतना वाहियात आर्टिकल खासतौर पर जिसमें लिखा हुआ कि शादी करने के लिए बीच में मेडिसिन में आते, एक बंदे को कम से कम इतना तो कम से कम ख्याल कर लेना चाहिए कि इसका असर क्या पड़ेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने भी अपनी फेस सेविंग करनी होती है, औरतें भी बैठी होंगी कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने भी कहना कि ये नहीं इसकी इसके ऊपर बट योर ऑनर अगर एक चीज रियलिटी पे बेस्ड है सर, अगर बेस्ड ऑन रियलिटी इट्स एन आर्टिकल इन अ पीस ऑफ पेपर इन अ न्यूज़पेपर, दोनों साइड के आपको नुकते मिल जाएंगे। आप वकालत करने के लिए आए इस चीज़ के ऊपर मत आर्ग्यू करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप थोड़े से प्रमोट करते वो फिर भी हो सकती थी बात। इसके अलावा और भी आज की दर्जनों हैं बीच में नुकते वगैरह करने के लिए वो सर अपनी सपोर्ट में एक और चीज रेस करना चाहता हूं, खत्म हो गया, आप छोड़ के जा चुके, आप दोबारा तो नहीं बहस करेंगे ना अब। चलो थैंक यू, नो प्रॉब्लम। आईसीएम आए हमारे को